हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस सहेली चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी पापड़ की रेसिपी जिसे कि आप बारिश में भी बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी धूप की कोई भी ज़रूरत नहीं है और पापड़ काफ़ी टेस्टी और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पापड़ को जैसे तेल में डाल रही हूँ, कितना अच्छा से ये फूल जा रहा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा पापड़ है। तो फ्रेंड्स, आप यदि इस पापड़ को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप पापड़ को बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं पापड़ आपको 2 से 3 पापड़ तल के भी दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको सुविधा हो पापड़ बनाने में और पापड़ काफ़ी टेस्टी बनता है। आप इस पापड़ को पंखे के नीचे बना के सुखा के और रख सकते हैं। यदि ज़्यादा दिन के लिए इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप पापड़ को थोड़ा सा धूप भी लगा दीजिएगा, जिससे कि पापड़ लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं, पापड़ को तोड़ के भी दिखा रही हूँ, काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ इस पापड़ को बनाना कैसे है और इसे बनाऊँगी किस चीज़ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ले ली हूँ पापड़ बनाने के लिए मैं ली हूँ कॉर्नफ्लावर। तो आज मैं आपको कॉर्नफ्लावर से ही पापड़ बना के दिखाऊंगी। तो ये वही कॉर्नफ्लावर है जिससे कि हम लोग कोई भी चाइनीज डिश बनाते हैं, मंचूरियन बनाते हैं या ग्रेवी को गाढ़े करने में डालते हैं, जिससे बम्बई कराची हलवा भी बनाया जाता है, वही कॉर्नफ्लावर है। और कॉर्नफ्लावर का वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चाहिए इसका वीडियो तो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से उसका वीडियो दूसरा बना के अपलोड कर दूँगी। ये कॉर्नफ्लावर बहुत ही काम की चीज़ है। हम लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं उसका ग्रेवी को गाढ़ा यदि करना हो तो थोड़ा सा घोल के आप इस कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी भी बनता है और कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पर ली हूँ मैं 1 कप कॉर्नफ्लावर और इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा कूटा हुआ लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स और इसके साथ ही डालूँगी करी पत्ता। आप करी पत्ता की जगह पर यहाँ पर धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, आपके पास करी पत्ता यदि हो तो आप करी पत्ता ही डालिएगा, इससे इसका टेस्ट कुछ और ही आता है। तो यहाँ पर डाल दे रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, तो पानी एक बार बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसे घोलना है। कॉर्नफ्लावर को जब आप घोलिएगा तो अंदर में ये चिपक जाता है, बैठ जाता है, तो धीरे धीरे से इस तरह से घोलने से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे घोलना है। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ये पापड़ बहुत ही अच्छा बनता है और बनाना भी काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं है, ना ही घंटों बेलना, ना ही गूथना, झटपट से बनाए और पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरह से अभी पानी इतना ही डाली हूँ, बाद में देख लूँगी यदि पानी चाहिए होगा तो और इसमें ऐड करूँगी। अब करी पत्ता को ले ली हूँ और करी पत्ता को पहले अच्छे से धो ली हूँ, धोने के बाद इसे बारीक बारीक कट करके इसे कॉर्नफ्लावर के बैटर में डालूँगी। आप इसके जगह पर धनिया पत्ती को भी इसी तरह से बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, पुदीना पत्ती भी डाल सकते हैं, आपके पास जो उपलब्ध है, जो संभव है डालना आप इसमें डाल सकते हैं। और यदि इसमें से कुछ भी आप डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, सिर्फ इसमें डाल दीजिएगा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दीजिएगा। और यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, तो नमक पापड़ में थोड़ा कम ही जाता है और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसमें ना मीठा सोडा डालना है, ना ही कोई कलर डालना है, बस इतना ही सामान डलेगा और इससे ही पापड़ बना के आपको दिखा रही हूँ। तो बैटर को अच्छे से थोड़ा देर के लिए इस तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि बैटर थोड़ा हल्का हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख पा रहे हैं कि इसे कितना गाढ़ा रखी हूँ। तो पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दी हूँ 1 गिलास के करीब पानी और पानी को ढक के इसमें अच्छा सा उबाल आने दूंगी। तो फ्रेंड्स, पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ 1 ही साइज का प्लेट। आप इससे बड़े साइज का बनाना चाहते हैं पापड़ तो आप प्लेट बड़ा भी ले सकते हैं और 1 साइज का बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आपके पास जितना भी है प्लेट ज़्यादा होगा तो जल्दी जल्दी पापड़ बन के तैयार होगा। यदि आप प्लेट में बनाना नहीं चाहते हैं तो किसी डब्बे के ढक्कन में भी आप बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हो, एकदम समतल सा हो, 1 साइज का पापड़ बने। तो इसमें डाल दिए हूँ 2 से 3 ड्रॉप रिफाइंड तेल। तो यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, सरसों का तेल बिल्कुल भी मत डालिएगा, जिससे कि पापड़ में कोई स्मेल आ जाए। और रिफाइंड तेल में कोई भी स्मेल नहीं होता है तो बहुत अच्छा इससे पापड़ बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगा ली हूँ, एक ही बार आपको लगाना है, बार बार इसे नहीं लगाना है, जिससे कि थोड़ा सा प्लेट चिकना हो जाए। अब इसमें डाल दे रही हूँ 2 चम्मच बैटर,
बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं डालना। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को अच्छे से देख लें, जो पहला बार जब आप इसमें तेल लगा के पापड़ को बनाएंगे तो थोड़ा सा ये इस तरह से हटेगा, चिपकेगा नहीं प्लेट में। तो इसे 2 से 3 राउंड इस तरह से गोल गोल घुमाइएगा लगातार, तो देखिए पापड़ का बैटर सेट हो चुका है। इसे आप 2-3 राउंड इस तरह से गोल गोल घुमाइएगा पहला बार। उसके बाद बार बार आपको इसमें तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी प्लेट में आप प्लेट को खाली करते जाएं और पापड़ को बनाते जाएं। तो देखिए कैसे हट रहा है, चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा क्योंकि तेल है अभी, और इस तरह से घुमाते जाऊंगे तो ये सेट हो जाएगा। मैं इससे भी पहले बहुत सारा पापड़ का वीडियो अपलोड की हूँ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उम्मीद करती हूँ इस पापड़ के वीडियो को भी आप लोग बहुत पसंद करेंगे और इसे भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है, अब इसमें डाल दूंगी स्टैंड इस टाइप का, जो हम लोग केक बेक करते हैं या कुछ भी। तो आपके पास यदि ऐसा वाला नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, बीच में कोई भी जैसे आटा चालने का छलनी होता है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, लोहा वाला, उसे आप उल्टा करके इसमें डाल देंगे, उसके ऊपर भी आप प्लेट रख सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो आप छोटा सा प्लेट बीच में डाल के उसके ऊपर प्लेट डाल दीजिएगा, पानी से टच नहीं होना चाहिए, बस इस टाइप से आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। जिस प्लेट में पापड़ डाली हूँ वो पानी से सटना नहीं चाहिए, नहीं तो इसके अंदर भी पानी चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसे ढकने के बाद 1 से 2 मिनट में ही एक पापड़ बनके हमारा तैयार हो गया, उससे भी कम ही समय लगता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पापड़ का बैटर एकदम बिल्कुल सूख गया है और इसका कलर भी एकदम पानी के जैसा हो गया। अभी आप देख रहे हैं दूध के जैसा इसका कलर है, और जब ये पक जाता है तो इसका कलर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है पानी के जैसा। तो इस प्लेट को डाल दी हूँ पानी में, ठंडा पानी में। पापड़ की प्लेट को उतारना है भाप पर से और इसे ठंडा पानी में डाल के और प्लेट को तुरंत निकाल लेना है, जिससे कि प्लेट बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और पापड़ आपको निकालने में काफ़ी सुविधा होगा। तो इसी तरह से सारे पापड़ को बनाती जाऊँगी और प्लेट को ठंडा कर लूँगी पानी में डाल के। तो पानी में डाल के आप बहुत देर तक इसे छोड़िएगा नहीं, पानी में डालिएगा, थोड़ा देर के बाद उसे निकाल लेना है। और इस तरह से पापड़ अच्छे से सूख जाए, जब बैटर इसका सूख जाए तभी आप निकालिएगा। तो इस तरह से मैं सारे पानी में डाल डाल के ठंडा करके और निकालती जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं पापड़ को निकाल के दिखा देती हूँ। तो किसी भी आप चाकू या चम्मच के डंटी से भी इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से पहले इसके किनारे को छुड़ा लेना है। और इसके बाद पापड़ को पकड़ के धीरे धीरे से घीजिए, ये आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पापड़ बनके तैयार हो गया है, कितना ट्रांसपेरेंट, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम पतला पतला सा पापड़ और कड़ी पत्ता भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके साथ। तो इसी तरह से सारे पापड़ को बना के और सूखने के लिए डाल दूंगी पंखे के नीचे। बिल्कुल भी इस पापड़ में मैं धूप नहीं दिखाई हूँ क्योंकि अभी के समय में ज़्यादा धूप निकलता नहीं है, तो इसे पंखे के नीचे ही बना ले रही हूँ। और आप जब चाहे इस पापड़ को बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बना के एक ही बार साल भर के 2 साल के लिए रख ले, नहीं, आप 10 दिन का भी पापड़ बना ले और जब चाहे जब आपके पास टाइम हो आप इस पापड़ को बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक पापड़ मैं आपको और निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से किनारे को छुड़ा लेना है और पापड़ को धीरे से पकड़ के हल्का हल्का सा आप घीचिए, प्लेट से अलग हो जाएगा पापड़। ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। तो इसी तरह से मैं सारे पापड़ को बना बना के और तैयार कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल प्रेस भी कीजिएगा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मिनटों में बहुत सारा पापड़ बनके तैयार हो चुका है। मैं सारे पापड़ को डाल दी हूँ पंखे के नीचे सूखने के लिए। यदि आप पंखे के नीचे सुखाएंगे तो 2 दिन में पापड़ सूखेगा, और यदि धूप में सुखाएंगे तो 1 ही दिन में, अच्छा धूप है तो 1 ही दिन में सूख के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स पंखे के नीचे मैं इसे 2 दिन में सुखाई हूँ, तो अच्छा से पापड़ सूख के तैयार हो गया है। और आप देख पा रहे हैं कि एक भी पापड़ ना टूटा है ना फटा है, बहुत अच्छा पापड़ बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह से पापड़ बना ले और स्टोर कर ले।
और जब चाहें इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता भी डाली हूँ मैं। तो चलिए फिर से मैं आपको एक पापड़ तल के दिखा दूँ, जिससे कि आपको और भी सुविधा हो जाए समझने में। तो तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ और एक पापड़ डाल के आपको दिखा रही हूँ फिर से फ्राई करके। तो देखिए पापड़ फ्राई हो चुका है, काफ़ी क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करके हमें बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।